आज हमारे पास दो स्मार्ट वॉचेस है, द बेस्ट वन एंड द वर्स्ट वन। ये है फायरबोल्ट की वोग एंड ये है नॉइस की मेटालिक्स, जो भी रिसेंटली एक दो महीने में लॉन्च हुआ था उसके अंदर से हमने दो पिक किए एंड मेरे को ये सबसे घटिया लगा। हालांकि दोनों का प्राइस सेम है एंड इसका रेटिंग अगर आप अमेजोन पे देखोगे तो ओवर 40,000 रेटिंग है एंड इसका है ओनली 49। बट ये भाई काफी शानदार स्मार्ट वॉच है, काफी अच्छा लगा मेरे को, मैंने काफी दिन इसे यूज किया। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं क्यों मेरे को ये सबसे खराब लगा, घटिया लगा एंड क्यों मेरे को सबसे अच्छा लगा। एक आता है भाई राउंड सर्कुलर डायल में, ये है नॉइस की मेटालिक्स। वोग आता है भाई स्क्वायर डायल के साथ, बाकी चेन वगैरह एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों का सेम है, मेटालिक बिल्ड मिलता है यहाँ पर। एंड ए वाला स्मार्ट वॉच देखोगे तो थोड़ा सा सस्ता एप्पल वॉच की कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ए आता है सर्कुलर डायल के साथ, जिसको जिसको पसंद है राउंड डायल वॉच पहनना उसके लिए बहुत ही बढ़िया है एंड काफी एस्थेटिक लुक देता है दोनों स्मार्ट वॉच। डेफिनेटली लुक्स के बारे में दोनों स्मार्ट वॉच काफी अच्छा है, काफी कम बेजल है चारों तरफ एंड ए भी आता है मिनिमल बेजल के साथ। एंड दोनों में ही भाई रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, दो दो बटन है इसमें भी, डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो इस वाले बटन से एंड इसमें भी एक एक्शन बटन है एंड इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो भाई अपने वॉइस एफबी एक्टिव ऐप के मदद से एंड जो भी टास्क इससे आप परफॉर्म करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट भाई रेजोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है फायरबोल्ट वोग में, बट नॉइस की मेटालिक्स में उतने भी अच्छे रेजोल्यूशन है नहीं। एंड हाँ भाई दोनों में ही आप कस्टम वॉलपेपर सेट कर सकते हो, अपना चेहरा भी एज ए वॉच पे सेट कर सकते हो। बट जो मेन चीज है वो है फीचर्स एंड फीचर्स की बात करें तो फायरबोल्ट वोग में भाई भर भर के फीचर्स दिया गया है एंड भाई सारे फीचर्स ऑलमोस्ट घटिया है एंड कोई भी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता। सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स है, हार्डवेयर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया गया है। जितने बजट स्मार्ट वॉच है उसमें तीन सेंसर मेनली लगा होता है, एक तो है हार्ट रेट, दूसरा है SPO2 एंड तीसरा है मूवमेंट वाले सेंसर जो आपके स्टेप काउंट करता है। एंड फायरबोल्ट वोग में भाई यही तीन सेंसर लगा हुआ है, बट एक सेंसर लगा हुआ है, कोई भी इसमें एक्यूरेसी नहीं है। बट सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, इसमें से भाई ECG भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, ब्लड प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सेंसर नहीं लगाया गया है, बट यहाँ पर फीचर्स तो भाई दिया हुआ है एंड ये सारे सेंसर भाई फेक डेटा दिखाता है। नॉइस की मेटालिक्स में उतना सारा चीजें नहीं मिलता है, हार्ट रेट SPO2 मेजर कर सकते हो भाई, एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है, स्टेप काउंट भी कर सकते हो, 80-90% स्टेप काउंट में एक्यूरेसी दे देता है एंड ऑल्सो स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। एक्यूरेसी में मैं आपको दिखा देता हूं भाई, तो यहाँ पर हार्ट रेट देख सकते हो रहा है 112 BPM, यहाँ पर भाई 79 BPM एंड यहाँ पर देख सकते हो 103 BPM, सो बहुत ही क्लोज है नॉइस की मेटालिक्स। एंड SPO2 देख सकते हो 98% मेटालिक्स में, 96% हो रहा है भाई वोग में, अभी 98 हुआ एंड यहाँ पर हो रहा है 98% एंड अगेन 96% वोग दिखा रहा है एंड यहाँ पर भाई 95 से 100 कुछ भी डेटा दिखाता है। फायरबोल्ट की वोग एंड नॉइस की मेटालिक्स दोनों में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, गेम्स नहीं मिलता है नॉइस की मेटालिक्स में, बट फायरबोल्ट की वोग में गेम्स मिलता है, काफी सारे गेम्स मिलता है। यहाँ पर आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप के मदद से एंड ऐप के अंदर काफी सारे गेम्स का ऑप्शन है, बेसिक गेम्स, सो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। काफी सारे गेम्स आप वॉच में इंस्टॉल कर सकते हो, वॉच से प्ले कर सकते हो एंड इसके अलावा और भी काफी सारे घटिया घटिया चीज दिया गया है फायरबोल्ट के वोग में, जैसे यहाँ पर GPS मूवमेंट है, बट भाई इसमें GPS वाले कोई भी चीजें नहीं लगाए गए। ये एक्चुअली क्या करता है मैं बताता हूँ, ये आपके फोन का लोकेशन को ट्रैक करके आपका GPS मूवमेंट दिखाता है एंड डिस्प्ले भी आपके फोन में ही करता है, तो असली काम आपका फोन का ही है। अगर आप इस वाले घड़ी को पहन के कहीं पर जॉगिंग वॉगिंग करने जा रहे हो तो साथ में आपको फोन भी लेके जाना पड़ेगा, लोकेशन आपका फोन ही ट्रैक करेगा एंड GPS मूवमेंट का डेटा आपके FB एक्टिव ऐप के अंदर दिखाएगा। सो भाई यहाँ पर घड़ी का लिटरली कोई काम नहीं है। और भी दो तीन चीजें हैं, लाइक ई कार्ड, जहाँ पर आप सोशल मीडिया का QR सेट कर सकते हो, अपने कस्टम QR एंड कोई भी पेमेंट QR भी सेट कर सकते हो। NFC भी है यहाँ पर, SOS का भी बटन मिला भाई। और भी काफी सारे फीचर्स है, लाइक मसाज वसाज भी कर सकते हो भाई इससे आप। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा फायरबोल्ट वोग में, वो है वाटर ड्रेनिंग फीचर्स। यहाँ पर सच में एक वाटर ड्रेनिंग फीचर्स दिया गया है, आपके घड़ी से साउंड प्ले करता है, अगर आपके स्पीकर में पानी घुस गया है तो आप वाटर ड्रेनिंग से इसे निकाल सकते हो। हालांकि दोनों स्मार्ट वॉच आता है IP68 रेटिंग के साथ, सो पानी वानी में भीग जाए गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिटरली इसे वॉश भी कर सकते हो। यहाँ पर फायरबोल्ट वोग में और एक ऑप्शन है एप्लीकेशन मार्केट बोल के, यहाँ पर भाई और भी कुछ सारी चीजें देखा जाता है, जस्ट मीटियो आई थिंक मेटाबॉलिक रेट एंड प्रेशर एंड ऑल्टीट्यूड भी दिखाता है भाई। आई डोंट नो कैसे दिखाता है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सेंसर यहाँ पर दिया गया नहीं है। इन दोनों के डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। इनकेस यू वॉन्ट अ सस्ता एप्पल वॉच देन यू कैन गो फॉर इट, बट भाई इसे एज ए फिटनेस वॉच यूज मत करना। हालांकि इसका जो स्ट्रैप है वो रिमूवेबल है एंड दोनों का स्ट्रैप रिमूवेबल है एंड इसको चेंज करके आप यहाँ पर सिलिकॉन स्ट्रैप लगा सकते हो
अगर इनकेस आपको इसको पहन के जॉगिंग वॉगिंग में जाना है या फिर जिम वगैरह जाना है तो कर सकते हो। दोनों में ही सेम 22mm का स्ट्रैप यहाँ पर लगता है। बहुत सारे मैंने रिव्यूज भी देखे हैं, कहीं कहीं पर तो भाई सेंसर का कोई डेटा ही नहीं दे रहा है। मेरे वाले में हालांकि डेटा दे रहा है बट बहुत ही फेक डेटा दे रहा है। दूसरी बात, नॉइस के मेटालिक्स के साथ ऐसा एक वॉच स्ट्रैप रिमूवेबल टूल दिया जाता है जिसे आप वॉच स्ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हो अपने रिस्ट साइज के वाइज, बट फायरबोल्ट वोग में ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसको लेकर आपको व्हाट्सअप जाना है टू एडजस्ट दिस स्ट्रैप। और एक चीज है, फायरबोल्ट वोग के साथ ऐसा एक वायरलेस चार्जिंग डॉक दिया जाता है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग दिया गया है फायरबोल्ट वोग के अंदर, बट नॉइस के मेटालिक्स के अंदर ऐसे रेगुलर पोगो पिन चार्जिंग केबल दिया जाता है। ब्लूटूथ कॉलिंग है एंड कॉलिंग वगैरह हो जाता है सही से। सो कॉलिंग के टाइम मैं आपको माइक्रोफोन का क्वालिटी सुना देता हूं। तो अभी जो आपको साउंड आ रहा है डायरेक्ट मेरे स्मार्ट वॉच से आ रहा है, तो देख सकते हो कुछ कॉलिंग के टाइम इस तरीके का साउंड मिलने वाला है। एंड मैं अगर इतना पास रख के बात करूं तो कुछ इस तरीके का साउंड आएगा, तो कॉलिंग के टाइम आपको कुछ इस तरीके का साउंड मिलने वाला है। सो इतना था इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।